ओके जी, आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका आंसर है नो। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये असल में वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक बात करें तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी पार्टिकल लाइक नेचर होती है, यानी ये फोटोन पे मुश्तमिल है और फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तब लगती है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर है नो। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, कैन अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट बी सेट इन मोशन बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका भी आंसर है बिग नो। उसकी वजह क्या है कि चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तब लगती है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ठीक हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी और वेलोसिटी जीरो होने से मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स? अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलरली होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनमें वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के अलोंग ही पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है। यानी ये ऊपर वाली ट्रांसवर्स वेव की रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाई है और नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर मैं इस लाइन को डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट कहूँ या डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इस तरह वाइब्रेट करते करते मैक्सिमम हो रहा है, फिर कम होते होते ज़ीरो होगा, फिर दूसरी साइड पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर कम होते होते ज़ीरो, तो इसकी वेरिएशंस की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो बिल्कुल इसके 90 के एंगल पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी, फिर कम होते होते ज़ीरो होगी, और फिर दूसरी साइड पे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एंगल देखें तो ये भी 90 है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव के साथ एंगल देखेंगे तो ये भी 90 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू हैव मैक्सिमम फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हम जानते हैं ये होता है F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, और चूंकि ये साइन फंक्शन के मुताबिक चेंज हो रहा है, हम जानते हैं साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर उस पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो टॉर्क की बात कर रहा है, ये जो हमने इसी चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द इक्वेशन टॉ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी शोज दैट देर इज नो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ लूप एंड द फील्ड इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। फिर आगे वो ये कह रहा है, डिस्कस द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दीज टू पोजिशंस। तो देखें, सिंपल सी बात है, अगर इस पोजीशन पर टॉर्क नहीं लग रहा, इसका मतलब है अगर कॉइल इस पोजीशन पर होगी तो वो घूमेगी नहीं, और अगर वो घूमेगी नहीं तो वो फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम,
अच्छा थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, हो सकता है सिग्नल्स का इशू हो और स्क्रीन इसलिए शो ना हो रही हो। अभी भी शो नहीं हो रही क्या? ओके, अगर किसी बच्चे को शो नहीं हो रही इसका मतलब है ये उसके सिग्नल्स का इशू है। अच्छा जी, इसमें कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं उनको देख लूं। ओके, अच्छा ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर टॉर्क नहीं लग रहा तो जाहिर बात है वो जो कॉइल है वो उसी पोजीशन में रहेगी। हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कह रहा है एफ फिजिकल वाई एल क्रॉस पी, या आपने फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पढ़ा था। वो कह रहे कि होल्ड फॉर अ स्ट्रेट वायर हुज क्रॉस सेक्शन वेरीज इरेगुलरली अलोंग द पाथ। कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहा है कि क्या ये ऐसी वायर के लिए भी वैलिड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कहीं कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, कहीं कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, अप टू सो ऑन। तो आप इसमें कह सकते हैं कि येस इट कैन होल्ड फॉर दैट काइंड ऑफ वायर, ये ऐसी वायर के लिए भी वैलिड हो सकता है। उसकी वजह ये है कि हमें इस फार्मूला में नज़र आ रहा है कि ये फोर्स जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही, ये सिर्फ लेंथ पर और मैग्नेटिक फील्ड पर और साथ ही साथ करंट पे डिपेंड कर रही है। तो अगर उस वायर के अंदर करंट की वैल्यू सेम है, लेंथ भी उसकी वैसी ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई आपने किया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे इरेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही क्यों नहीं है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इज मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो इसका आंसर है यस, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, मैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है। आपने एफएससी पार्ट 1 में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में साबित किया था दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इसलिए वो कंजर्वेटिव है। इसी तरह आप मैकेनिक्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स बीएससी थर्ड ईयर में, अभी मैंने आपको वो चैप्टर नहीं करवाया, अगर हम एनर्जी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम ये साबित करेंगे। इसी तरह स्प्रिंग फोर्स यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी कंजर्वेटिव होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, वो भी कंजर्वेटिव है। और सेम इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स जो है इसकी वजह से भी किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सो दैट्स वाई मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्लेक्टेड ईदर बाय मैग्नेटिक फील्ड, ईदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, मतलब वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का बीम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी फर्ज करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ बेंड होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि अगर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता, फर्ज करें इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब है कि नॉर्थ पोल आपकी तरफ है और साउथ पोल दूसरी तरफ है, इसके अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ रहा है, फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आ रहा है, तो वी क्रॉस बी अगर आप करें, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको वी क्रॉस बी नहीं करना, इसको बी क्रॉस वी करना है। तो बी क्रॉस वी करने पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा इस तरह का। अब वो कह रहे हैं जी कि इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगती है, तो आप ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सी बेटर है। अब फ्रैंकली ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम चाहते क्या हैं, यानी हमारा पर्पस क्या है। अगर तो हम ये चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन हो लेकिन एनर्जी में कोई तब्दीली ना आए, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली ना आए,
तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला मेथड जो है उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर एक लेक्चर में देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो वर्क करती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो सारा का सारा वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये काइनेटिक एनर्जी में भी तब्दीली करेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं करेगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक कि काइनेटिक एनर्जी में कोई तब्दीली ना आए तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे, और अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आए, उसमें इजाफा हो, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इफ़ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड साइडवेज इन पासिंग थ्रू अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, कैन वी बी श्योर दैट अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन दैट रीजन। वो कह रहे हैं कि क्या आप किसी रीजन में देखें और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी साइड वे किसी तरफ बेंड हो रहे हैं, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमें इस बात की श्योरिटी हो कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर तो हमें इस बात की गारंटी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर हमें ये श्योर ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो फिर हमें ये भी श्योर नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स ने जो साइडवेज डिफ्लेक्शन शो की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से की हो, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड ना हो। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सबको? तो इसका मतलब है अगर हमें ये श्योर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्लेक्शन शो की है। अब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिफ्लेक्शन शो कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। सो इफ वी आर श्योर दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी हैव टू बी श्योर दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड, यानी ये वो कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इन पासिंग थ्रू अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस, कैन वी बी श्योर दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ने डिफ्लेक्शन नहीं दी, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब अगर एंगल ज़ीरो हो फिर भी फोर्स नहीं लगती, और अगर एंगल 180 हो फिर भी फोर्स नहीं लगती, यानी चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चार्ज मूव कर रहा है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, दोनों सूरतों में फोर्स नहीं लगती। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसने डिफ्लेक्शन नहीं दी, तो हो सकता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो। तो इसलिए हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड हो लेकिन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा हो, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी और इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्लेक्शन नहीं दी। तो अगर आपसे वो ये कहेगा कि क्या हम श्योर हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो आप इसका आंसर देंगे नो, वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं, हाउ कुड यू रूल आउट दैट द फोर्सेज बिटवीन टू मैग्नेट्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। रूल आउट का मतलब होता है कि इस पॉइंट को खारिज करना। हम किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैग्नेट्स के दरमियान लगने वाली जो फोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें एक बात जहन में रखें कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म होता है मूविंग चार्जेस। जैसे हम जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करे तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज द मूविंग चार्जेस। अब अगर हम एटम के लेवल तक की बात करें तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की वजह से एटम के अंदर भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं आपको
पैरा मैग्नेटिक मटीरियल, डाया मैग्नेटिक मटीरियल, फेरो मैग्नेटिक मटीरियल करवा रहा था। तो सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, यानी मैग्नेटिज्म जो है उसका ताल्लुक मूविंग चार्जेस के साथ है। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं जो दो मैग्नेट्स के दरमियान लग रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मूविंग चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, और अगर मूविंग चार्जेस इन्वॉल्व हैं तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ रूम विद योर बैक टू वन वॉल एंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल। आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये है बैक वॉल और ये है फ्रंट वॉल, यानी हमारे रूम के सामने वाली वॉल, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है फ्रंट वॉल की तरफ, ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहे हैं जी कि इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड टू योर राइट। हम बैठे हुए हैं जनाब इस वॉल पे टेक लगा के, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट साइड की तरफ, इस तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो राइटवर्ड लग रही होगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स राइटवर्ड लग रही है देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन दैट रूम। अब ये हमने डिसाइड करना है। अब आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो फिर फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बी क्रॉस वी करना है। क्या करना है? बी क्रॉस वी। अब अगर बी क्रॉस वी किया जाए राइट हैंड रूल के मुताबिक, अगर हम राइट हैंड रूल के मुताबिक बी क्रॉस वी करें, तो पहले हमें अपने राइट हैंड को स्क्रीन के अंदर करना पड़ेगा, यानी इन टू द पेपर, और फिर फ्रंट वॉल की तरफ ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा और थंब राइट साइड पर आएगा। इसका मतलब है अगर फोर्स राइट साइड पे लग रही है तो हमने अपने राइट हैंड के थंब को राइटवर्ड करना है और अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह वी तो फ्रंट वॉल की तरफ है तो बी इन टू द पेपर आ रहा है। आपको बात समझ आ रही है जी बच्चों? यानी आपके हाथ की राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो इन टू द स्क्रीन होंगी, यानी उनकी डायरेक्शन इन टू द स्क्रीन होगी, और उसको आप वी की तरफ घुमाएंगे तो फिर जो थंब है वो राइटवर्ड जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो इस रूम में एग्जिस्ट कर रही है दैट इज़ एक्चुअली इन टू द पेपर। अब चूंकि हम रूम में बैठे हुए हैं तो फिर इन टू द पेपर का मतलब इस डायग्राम के मुताबिक क्या होगा? रूम के फ्लोर की तरफ, यानी अगर मैं रूम में बैठा हुआ हूँ तो रूम के फर्श की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पर वो डायरेक्शन इनवर्ड बन रही है, लेकिन असल में अगर हम रूम में बैठे हुए को इमेजिन करें देन दैट डायरेक्शन वुड बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, towards the floor of room. Question number 12 पे आ जाएं। इसमें वो कह रहे हैं why do we not simply define the direction of magnetic field to be the direction of magnetic force? वो कह रहे हैं जिस तरफ magnetic force लगती है हम किस क्यों इस तरह define नहीं कर देते कि उसी तरफ magnetic field है। उसकी बड़ी simple reason है, हम जानते हैं magnetic force का formula vector product के मुताबिक आता है, और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम फिर ये तो नहीं कह सकते कि जिस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑफ द थ्री वैक्टर्स इन द इक्वेजन विच पेयर आर ऑलवेज राइट एंगल एंड विच मे हैव एनी एंगल। अब देखें यहाँ पर हम जानते हैं इस इक्वेशन में जो F है वो वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा।
यानी ये वाला जो हमारा पेयर है ये तो आपस में पक्की बात है परपेंडिकुलर है, लेकिन एक पेयर है V और B का, इनका एंगल हमें नहीं पता कितना हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, जीरो और 90 के दरमियान कुछ भी हो सकता है, 90 और 180 के दरमियान भी कुछ हो सकता है। इसका मतलब है किस पेयर के बारे में हमें नहीं पता कोई भी एंगल हो सकता है वो ये वाला पेयर है, और किस पेयर के बारे में हम श्योर हैं वो ये दो पेयर्स हैं, एफ और वी का, एफ और बी का। इसके बाद आ जाएं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है ना ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है, इससे हम आयन को, एक आयनिक पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। तो इसके लिए आप बस ये दो पॉइंट्स याद रख लें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ को बेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वर्क करती है। अगर वर्क करती है तो समझें वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज करती है इसका मतलब है उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होता है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ पाथ को बेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क करती है, काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली नहीं करती, सिर्फ पार्टिकल को बेंड करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करती है। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर। ओके जी, अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।